वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रमजान स्पेशल चिकन टिक्का, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है 350 ग्राम, ऐसे क्यूब कट कर लिया है। एक बोल में डाल दूंगी सभी चिकन को। यहाँ पे मैं 2 चम्मच नींबू की रस डाल दूंगी, इसमें नमक डाल दूंगी, इसमें 1/3 टेबल स्पून 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूंगी। इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स करूंगी, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। इसे हम ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, तब तक हम इसकी मसाला की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हम एक बर्तन में दही ले लेंगे 1/4 चम्मच की, 3 चम्मच दही ले लिया है हमने। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाला के हिसाब से हम नमक डाल देंगे, चिकन में भी हमने नमक डाला है। मसाला हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच दही और डाल देंगे। दही के साथ मसाला अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 10 मिनट हो गया है यहाँ पे। चिकन में हमने ये मसाला सब डाल देंगे। अब हम चिकन में मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम ब्लैक पेपर डाल देंगे थोड़ी सी, 1/2 चम्मच चिकन मसाला डाल देंगे। एक बार अच्छे से चिकन सभी मसालों में मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है हमने। अब हम इसको ढक्कन से कवर करके 20 से 25 मिनट साइड में रखेंगे। चिकन मैरिनेट किया हुआ हमने 25 मिनट हो गया है। एक बार हम और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमने कर लिया है। यहाँ पे हमने बम्बू स्टिक ले लिया है, ये हमने घर पे ही बना लिया है। हाथ से अगर अच्छे से मिलाएंगे हम और स्टिक में हम इसको ऐसे लगाएंगे। थोड़ा सा दूर दूर लगाएंगे ऐसा।
ज़्यादा भर के नहीं लगाऊंगी, इसमें तीन तीन लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा था, अब मैं इसमें डाल दूंगी। तेल गर्म हो गया है, बाकी स्टिक भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। अब हम साइड से मिक्स करेंगे। चार मिनट हमने एक साइड पका दिया है, अब हम साइड में इसको करके पकाएंगे। थोड़े का हमने लो टू मीडियम में रखा है। मैंने यहाँ पे चारों साइड अच्छे से घुमा घुमा के चिकन टिक्का को अच्छे से फेंक लिया है। अब ये हो गया है, सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस प्लेट में। ऐसे बाकी पिज्जा को भी हम फ्राई कर लिया है मैंने सभी चिकन टिक्का को। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।